ऐसे जाकर नहीं जीते हम मायावती की औरतें और जाकर नहीं बैठ जा कहीं और गोद में, ऐसा है ना चाहिए। कुछ भी ना करो जी, वो तो कुछ भी ना करो जी, कुछ भी भगो लगाम, भगो लगाम के अंदर चमारन में तो झांको भी ना, कुछ भी ना करो, मुंह पे कह दे वाके चंद्रशेखर लड़ रहे हो महापुरुषों के लिए, तो वाई क्यों संग दे रहे उनको, गलत लड़ रहे हो, महापुरुषों के लिए लड़ रहा है। आप जैसे युवा बच्चे ना कितने जेलों में सड़ रहे हैं, उसके चक्कर में जेलन में अच्छी बढ़िया पड़े, जो समझदार है वे समझदार है, युवा दिखा दो भाई अभिषेक जाटव, भाई अभिषेक जाटव सब बहुजन समाज एक करने के लिए डोल रहा हूँ, कोई अलग ना डोल रहा हूँ, की दुश्मनी पैदा करने के लिए डोल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ जी के पार्टी वाइज चलती रहे, मतलब बहुजन समाज के कोई अत्याचार होएगा तो चंद्रशेखर आ गए, ये कहाँ गए कौन भीम आर्मी। मेरी बात तुम एक बार बताओ, अरे सुनो, उसने कितने को इंसाफ दिलाया, कितने की रिपोर्ट लिखवाई, बता दे आज तक चंद्रशेखर ने, बताओ कितने ना दिवायो, और तुम्हारी नजर बता दे ना दिवायो, बताओ तुम्हारी नजर में, मैं बताऊंगा। अरे साहूपुरा में आया था, साहूपुरा में उस बेचारे का आज तक फैसला हुआ हो तो बता दे, साहूपुरा में वाल्मीकि समाज का लड़का मरा था ना, बता दो ये बीएसपी वाले कितने मिले बाजी के। पृथला विधानसभा थे और भी एमएलए बने हैं, पंडित एकता शर्मा जी बने हैं, और वो यहाँ से बन के नहीं है, बीजेपी में जाके बैठ गए, अब देखते हैं कितने रुकते हैं, ठीक है। आप कह रहे हो ना कि आपका काम ये और वो, भैया सच्चाई कह रहे हैं, कितने रुकेंगे आप देखेंगे, और आप भी यही रिजो, हमारा काम है अपना, मैं भगोलाते हूँ जी, मैं भगोलाते हूँ, सुनो जी भगोलाते हूँ मैं, अम्बेडकर पार्क में जाके लौट जाए कि भैया यहाँ करेंगे वहाँ करेंगे, बाद में बने पीछे देखे ना पा में, अब बनो कहा नाम है नैनपाल रावत, लंबो लौटो भैया, यू करूंगा दलित यू करूंगा, वहां आज तक झाको ना भगोला काम में, कुछ भी ना करो, सब बन बन कर सब ऐसे कर जा, और तुम बार बोलते रह जा, खामा खाई बहस करते रह जा, गलत करो, ठीक है जी। और एक बात और है जी, जितकी लंगे भगोला काम बन जाए उसके लंगे बना दे, ठीक है। टेकचंद शर्मा चलो को, टेकचंद शर्मा को तुमने वोट दी, खूब दी, पूरे समाज ने दी, बना के भेजो, अब की बेर वोटिंग हुई, अब की बेर टेकचंद शर्मा के गिरिराज के बीच में जो कैंडिडेट आया, कितने नया को वोट दी, सारा एससी समाज अपना सारा नैनपाल पे गया, जब नैनपाल ने अपनी पगड़ी उतार के धर दी, दिया ना दिया बाबा जी से, और तुम यह बात कह रहे हो कि पामन में आके बाबा साहब के हम लौट गए, तुम्हारे बाबा साहब के आगे दुनिया पामन में लौटेगी, और तुम और हम ऐसे ही वोट देते रह जाएंगे जब तक पार्टी का साथ नहीं दोगे, और जब जब पार्टी का साथ दिया, हम तो नादेश तुम देते रहिए, आप कैसे सहमत है जैसे ये बता रहे हैं, इनकी तरह हम ना करेंगे कि हर का ये वोट देते रहे, नहीं बेगर बेगर देखे और बिना सोचे समझे हम ना देंगे, तुम देते रहो, अंधभक्त तुम बने रहे हो, इन्हें कह रहे ना बहुत मीडिया के तुम बिकाऊ मीडिया हो मकाऊ, ये भैया अपनी जगह ठीक है, तुम गलत हो, हमें उस चीज का सर्टिफिकेट की बात नहीं है, लेकिन आपका अपना मत क्या है, मतलब क्या होना चाहिए, कुछ आपकी जो नाराजगी है वो क्या है, नहीं चाहिए जी, हमारे यहाँ पे काम है ना चाहिए, ऐसे जाकर नहीं जीते हम मायावती की औरतें और जाकर नहीं बैठ जा कहीं और गोद में, ऐसा है ना चाहिए, कुछ भी ना करो जी, वो तो कुछ भी ना करो जी, कुछ भी भगो लगाम के अंदर चमारन में तो झांको भी ना, कुछ भी ना करो, मुंह पे कह दे वाके कुछ भी ना करो, हमारा वो जीतने के बाद हुआ ही नहीं तो वो हमारे लिए काम ही कहाँ से करेगा, जो उसके दलाल जीतने के पार्टी का झंडा ही छोड़ दिया था, वाने जी एससी समाज की चौपारी पंचायत जमीनी 200 गज तो बीसी के लिए और 200 गज एससी के लिए, एससी को जो रेगुलेशन है वो रोक लियो और बीसी को आगे कर दियो, मतलब यहाँ लट बजाने काम और कर दिया टेक्सन शर्मा ने, ये काम करे वाने, ठीक है जी, ले नाराजगी तो है, इसको दूर करना पड़ेगा पार्टी को, मेरा जो मेन बात करने का आपसे मतलब यही था, भाई साहब का तरीका बहुत अच्छा लगी, बात अच्छी लगी इनकी हमें, मगर हमारा काम है, हम पार्टी के लिए काम करते हैं, हमारी पार्टी भैया को भी टिकट दे देगी ना, हम भैया को जिता देंगे तन मन धन से भी, अब भैया जीतने के बाद कहाँ जाएंगे हैं, उसके हम पकड़ तो नहीं सकते, आप भी नहीं पकड़ सकते, ये तो रेल का डब्बा कहता कब प्लेटफार्म आएगा, कब उतर के भग जाएंगे, हकीकत है गलत है, बताओ यही बात है, हमने किसी को भान तो नहीं रहे, जब वो हमारी पार्टी में ही नहीं तो हमारा किस काम का, कहते हैं ना ये भोजन समाज है, ये पार्टी जिसको ताज बनाती है, ताज पहनाती है ना, और दो मिनट में उतर भी जाता है, जो महापुरुषों से गद्दारी करता है ना उसका खत्म खेल हो जाता है, आप जानते भी हो,
ये कहानी है। चंद्रशेखर भी लड़ रहो, उकावा के लिए लड़ रहो, चंद्रशेखर लड़ रहो महापुरुषों के लिए, तो वाई क्यों ना संग दे रहे, उनको गलत लड़ रहो। महापुरुषों के लिए लड़ रहा है, आप जैसे युवा बच्चे ना कितने जेलों में सड़ रहे हैं उसके चक्कर में, जेलन में अच्छी बढ़िया पड़े जो समझदार है, वे समझदार है। युवा दिखा दो, मेरी उम्र 60 साल की ना है और मेरे जैसे 50 कार्यकर्ता यहाँ के अंदर हैं। वो कौन से में हो तुम, तो अपने कर्तव्य निभा रहे हो, तुम संगठन में कौन से में हो? मेरी बात तो सुन लो, मेरे जैसे 50 और भी है, जो कुछ ऐसे भी है आधे से ज्यादा। संगठन में कौन से में हो ये बताओ? 30 साल तक का युवा हो, आप जाके देख लियो, इनके साथ चले जाओ, कितना युवा अंदर ना है। आप संगठन में कौन से में? आप अपने कर्तव्य निभा रहे हो, आप ना दो जी के नाबार्ड में कर रहे भाई अभिषेक जाटव, भाई अभिषेक जाटव सब बहुजन समाज एक करने के लिए डोल रहा हूँ, कोई अलग ना डोल रहा हूँ, दुश्मनी पैदा करने के लिए डोल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ जी के पार्टी बात चलती रहे दम में, मतलब बहुजन समाज के कोई अत्याचार होएगा तो चंद्रशेखर आ गए, ये कहाँ गए नौकर, कौन भीम आर्मी। मेरी बात तुम एक बात बताओ, अरे सुनो, उसने कितने को इंसाफ दिलाया, कितने की रिपोर्ट लिखवाई बता दे आज तक चंद्रशेखर ने, बताओ कितने ना दिवाओ, और तुम बता देना दिवाओ, बताओ तुम्हारी नजर में कैसे। मैं बताऊंगा, अरे साहूपुरा में आया था, साहूपुरा में उस बेचारे का पैसे आज तक फैसला हुआ हो तो बता दे, साहूपुरा में वाल्मीकि समाज का लड़का मरा था ना, तो बता दो ये बीएसपी वाले कितने मिले बाजी के, बीएसपी वाले आज भी गए थे प्रदेश का अध्यक्ष तक वहां पर, साहूपुरा में तो परिवार टूट गया था, उन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया था। भाई साहब क्यों कंप्रोमाइज कर लिया, दबाव था उनके ऊपर, इन्होंने इन जैसे बीमारी मारे अपनी बात पढ़े रहे मैं। और बीएसपी ने सुनो यार, तुम उस संगठन का नाम लेके वो बीएसपी की बदौलत क्यों हाईलाइट होना चाहता, छोड़ो उसे, वो हाईलाइट होना चाहता है सिर्फ, और वो इसी माध्यम से हाईलाइट होगा। बीमारी मारे अपनी बात पे एक जगह अड़िग रहेंगे, चाहे गर्दन कट जाए, लेकिन बीएसपी वाले जाकर कम्प्रोमाइज करवा दे। आप बीमारी से हो गया? हाँ जी बीमारी थे, बाकी हमारे ये भी हमारे लिए, ऐसे नाम एक दुश्मन है, ये भी हमारा गाँव के